ये मेरे पास एक स्पाइक है, ठीक है। तो इसमें भी मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ किस प्रकार से होता है। कोबरा, ये येलो येलो जो आपको दिख रहे हैं ना, ये नर्व होते हैं, बाहर निकलते हुए नर्व, इनको बोलते हैं एग्जेक्टिव नर्व रूट। यहाँ से बाहर आते हैं, एक हमारे अंगूठे के जितने बड़े नर्व का गुच्छा होता है जिसको स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं। वो स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन से होके हमारे स्पाइन के बीच में, जो मैंने होल बताया था वर्टिब्रा के बीच में, जो सेंटर कैनाल होता है उसमें से होके गुजरता है, और हर वर्टिब्रा के बीच, दो वर्टिब्रा के बीच में से नर्व बाहर निकलते हैं दोनों तरफ। और जो मैंने उस एक स्लाइड में बताया था वो उस एरिया को सप्लाई करता है ना। तो इस प्रकार का स्पाइन आप देख सकते हैं, ठीक है, इस प्रकार का स्पाइन होता है। अब हम स्टार्ट करते हैं इंसेक्ट क्रोस्पोंडेंस। अभी तक हमने पढ़ा था स्टैंडर्ड क्रोस्पोंडेंस, मुख्य सादृश्य सिद्धांत जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, मेन क्रोस्पोंडेंस सिद्धांत था, वो सिस्टम था। अब हम पढ़ रहे हैं इंसेक्ट क्रोस्पोंडेंस सिद्धांत, ठीक है, यानी कि सादृश्य ही देखेंगे, लेकिन इंसेक्ट, इंसेक्ट का मतलब होता है कीट पतंग। हमें अपने शरीर के जो उंगलियां हैं या फिर हमारे शरीर की शेप है, इसको हमें कीट पतंग की तरह समझना होगा। आप यहाँ पे देख रहे होंगे, एक एक फिंगर के अंदर अलग अलग शरीर है, पूरा एक सिस्टम, पूरा एक बॉडी ही एक फिंगर के अंदर हमें इसमें समझना है, ठीक है। इसकी हम चर्चा करेंगे, इसके भी काफी अमेजिंग रिजल्ट है। ये आपको कंफ्यूज करने के लिए नहीं है, आपको रिजल्ट बढ़ जाए इसके लिए हमें समझाना है। एक बार के लिए आप जो अभी तक आपने पढ़ा है उसको आप वहीं तक सीमित रखिए, इसको नए सिरे से समझने का प्रयास करिए, ठीक है, नए सिरे से इसको हम समझेंगे, और फिर दोनों जगह पे हम जब उपचार करेंगे तो हमें लाभ ज्यादा होगा, बेनिफिट हमें ज्यादा होगा। ये आप देख रहे होंगे किस प्रकार से शरीर को दो भागों में, यानी कि दो भागों में डिवाइड कर दिया इन्होंने, कि सिर एक ऊपर हो गया और पूरे धड़ से नीचे। इसको भी तीन अलग अलग हमें खंड में डिवाइड करना है, जैसे कि सिर ऊपर, जो जोड़ है इससे ऊपर में होता है, और यहाँ से जो सेकंड फर्स्ट जॉइंट है, यहाँ से सेकंड जॉइंट तक हमारे डायफ्राम होते हैं, और डायफ्राम लाइन से फिर नीचे की तरफ एब्डोमेन होता है। हाथ पैर कहाँ पे होंगे उसके लिए हम आगे की तरफ चर्चा करेंगे। हाथ एवं पैरों की कीट सादृश्य पद्धति, यानी कि इंसेक्ट क्रोस्पोंडेंस सिस्टम। सूक्ष्म चिकित्सा पद्धति में मुख्य सादृश्य सिद्धांत के साथ ही जो हमने आगे पढ़ा था, यानी कि मेन क्रोस्पोंडेंस सिस्टम जिसको स्टैंडर्ड क्रोस्पोंडेंस कहते हैं, हाथ और पैर के तलवे में, इसके साथ ही कीट सादृश्य पद्धति भी काफी महत्वपूर्ण है। कीट सादृश्य पद्धति के सादृश्य बिंदुओं पर उपचार करने पर वही परिणाम प्राप्त होते हैं जो मुख्य सादृश्य बिंदुओं पर उपचार करने से होते हैं। कीट सादृश्य पद्धति को समझने के लिए हमें अपनी उंगलियों के ऊपर एक चींटी की कल्पना करनी होगी। जिस प्रकार चींटी के शरीर के दो हिस्से होते हैं, उसी प्रकार उंगली के ऊपरी पोर वाला भाग सिर एवं पोर से नीचे वाला भाग धड़ होगा, यानी कि जो हमारे नाखून के पास वाला जॉइंट है इससे ऊपर का भाग जो है वो हमारा सिर होगा, और सेकेंड जॉइंट तक हमारे धड़, यानी कि वहां पे डायफ्राम लाइन होगी, ठीक है, मध्य भाग तक, उंगली के मध्य भाग तक डायफ्राम होगा, और डायफ्राम से नीचे जो होगा वो हमारे एब्डोमन वाला हिस्सा होगा, लास्ट तक में ग्रोइंग रीजन, ठीक है, लास्ट जो जो जहां से फिंगर जुड़ा हुआ है वहां तक, यानी कि नेक होगा हमारा ऊपरी जॉइंट, ये जो नाखून के पास वाला है, डायफ्राम लाइन होगा हमारे बीच वाला जॉइंट, और हमारे कमर के जॉइंट जो लास्ट वाला है ग्रोइंग रीजन, वो हमारे लास्ट जॉइंट पे होगा, ठीक है। जिस प्रकार कीट के हाथ एवं पैर अगल बगल ही स्थित हैं, इसमें हमें मुड़े हुए हाथ पैर की कल्पना करनी होगी, जिससे
कोहनी एवं घुटने के जोड़ उंगली के दूसरे जोड़ पर प्रतिबिंबित होंगे। आप यहाँ पे देख रहे होंगे जहाँ पे क्रसर घूम रहा है, ये सेकेंड जॉइंट जो होता है मिडिल जॉइंट, इसके जॉइंट के दोनों तरफ लेटरल साइड में हमारे एल्बो और हमारे नी जॉइंट होंगे दोनों तरफ। ये आप इसमें देख रहे होंगे, ये लेटरल साइड यानी लेटरल व्यू है, तो यहाँ पे होंगे बीचों बीच, ये आपका मिडिल जॉइंट है, ठीक है। यानी कि किसी को घुटने में या कोहनी में दर्द है तो एक दाना यहाँ पे लगा देंगे और एक दाना मेथी का यहाँ पे लगा देंगे, स्टिमुलेट कर देंगे, ठीक है ना, तो वो उसका उपचार हो जाएगा। और भी हम इसको आगे अच्छे से समझेंगे। कीट सादृश्य पद्धति में शरीर के सामने स्थित स्थित यीन बाल उंगली के सामने स्थित सादृश्य बिंदुओं पर प्रतिबिंबित होंगे। ये तो हमने वही पढ़ा था, यानी कि कहीं भी हम यीन यान को देखेंगे या हमारी बॉडी पार्ट में उसका हम समझेंगे तो वो वही सेम सिद्धांत काम करेगा। यानी कि वाइट पार्ट हमेशा यीन होता है, तो जो फेस है या चेस्ट और जो एब्डोमन है वो हमारे इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर या कोई भी फिंगर ले लीजिए, उसमें सामने की तरफ होगा, ठीक है। और आगे देखते हैं, पीछे की ओर स्थित यांग भाग उंगली के पीछे स्थित बिंदुओं पर प्रतिबिंबित होंगे, ठीक है। रीढ़ के सादृश्य बिंदु कीट पद्धति में भली प्रकार से उंगली के पीछे स्थित होंगे। ये आप जो देख रहे हैं थर्ड नंबर, ये उंगली, इसमें आपको ये आपको नाखून दिख रहा है, ये ऊपर सिर और यहाँ से ये सर्वाइकल हो गया और थोरेसिक, ठीक है, नीचे तक, और ये लंबर यहाँ से और ये कोक्सिस लास्ट, ये एक ही फिंगर में पूरे स्पाइन आ गया हमारा। तो ये हमारे यांग साइड में होगा, ठीक है। ये आप देखेंगे सेकेंड पिक्चर में, तो इसमें पूरे हमारे शरीर को दिया हुआ है फ्रंट ऑफ द बॉडी सामने की तरफ, और आपको लेटरल व्यू भी दिख रहा होगा, और हम अगर बैठेंगे तो वो ये पोस्चर बनेगा, है ना। कीट सादृश्य पद्धति में उपचार मूल सादृश्य बिंदुओं पर उपचार की भांति ही बीज मैग्नेट या सुई के माध्यम से किया जाता है। इन सादृश्य बिंदुओं पर उपचार प्रोब के माध्यम से भी किया जा सकता है। यानी कि आपको सर्वाइकल में प्रॉब्लम है या पेशेंट को सर्वाइकल में दिक्कत है तो आप इंडेक्स फिंगर लीजिए, उसमें आप फर्स्ट जॉइंट लीजिए, यहाँ पे सर्वाइकल मिलेगा आपको, ठीक है। सर्वाइकल रीजन होगा अकॉर्डिंग टू इंसेप्ट क्रॉसपोंडेंस, और हम देखेंगे अगर स्टैंडर्ड क्रॉसपोंडेंस के अकॉर्डिंग तो यहाँ पे होगा हमारी कलाई, ठीक है। तो कलाई का भी उपचार हो जाएगा, और साथ ही साथ जब हम इंसेप्ट क्रॉसपोंडेंस समझ के इसको ट्रीटमेंट देंगे तो ये सर्वाइकल का रिजल्ट, यहाँ पे मैं आप मेरे इंस्टाग्राम चेक कर सकते हैं, उस पर पोस्ट डालते रहता हूँ, यहाँ मैं 5-6 निडल लगा रहता हूँ छोटी छोटी, और वो निडल यही निडल इसी वजह से लगाता हूँ मैं क्योंकि यहाँ सर्वाइकल है, उसका ट्रीटमेंट मैं थंब में भी करता हूँ, स्टैंडर्ड क्रॉसपोंडेंस के अंदर भी सुजोक निडल्स डाल देता हूँ और यहाँ पे भी मैं सुजोक निडल्स डाल देता हूँ। आप उस पर मेथी के दाने लगाइए या उसको प्रोब से स्टिमुलेट करिए, कुछ भी करिए, ट्रीटमेंट होगा। निडल लगाओगे तो भी इलाज होगा, हमें वहां से एनर्जी को स्टिमुलेट करना है और हमारे सर्वाइकल तक संदेश पहुंचाना है, उस एनर्जी को पहुंचाना है ताकि वहां पे वर्किंग स्टार्ट हो, हीलिंग स्टार्ट हो, ठीक है। यही एक्यूप्रेशर है, यही एक्यूपंक्चर है, एनर्जी पे काम करता है, एनर्जी सिस्टम है। आगे की स्लाइड, रंगीन स्लाइड शो हो रही है आपको, इसमें स्पष्ट हो रहा होगा, ऊपर देखा है बीच वाले इसमें, तो ब्रेन आएगा ये पूरे आपको अपर जॉइंट से ऊपर में आपको दिख रहा होगा, फेस का दोनों तरफ कान है, उसी प्रकार से लोकेट करना है जिस प्रकार हमने हमारे स्टैंडर्ड क्रॉसपोंडेंस के अंदर जो थंब के फर्स्ट जॉइंट से ऊपर की तरफ हमने नोज की टिप लिए थे और बाकी सब हमने प्लॉट किए थे, है ना, उसी प्रकार से आपको लेने हैं। सेकेंड जॉइंट यानी कि इस पार्ट तक डायफ्राम लाइन होती है ये, और हमारे लंग्स के बीच में ये हार्ट है, तो इस प्रकार से आप ऑर्गन को प्लॉट करते जाइए। उसी प्रकार से हमें मिडिल जॉइंट से लोअर जॉइंट तक ये जो हमारे पेट के ऑर्गन हैं उनको हमें प्लॉट करते जाने हैं, है ना, उसी प्रकार से प्लॉटिंग इनकी रहेगी।
आप नाम देख सकते हैं, स्टोमक, स्प्लीन, पेनक्रियाज, गोल ब्लैडर, लार्ज इंटेस्टाइन। ओके, अब हम देखेंगे साइड व्यू। साइड व्यू कैसे होता है, तो हमारे शोल्डर कहाँ पे होगा वो आप देख रहे होंगे, राइट आर्म है ये, राइट साइड सरफेस, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में इंडेक्स फिंगर का राइट साइड सरफेस है, ठीक है। अब आप देखेंगे राइट लेग, राइट लेग में जो हमारे कमर, क्योंकि सबसे नीचे हिस्से में है, लास्ट तक हमारी कमर आ रही है, तो कमर के वहीं से हमारे फिमर हेड जुड़ा हुआ होता है पेल्विक बोन में, तो वहां से हमारे फिमर बोन स्टार्ट होगा, यानी कि ये हिप जॉइंट हो गया और ये ऊपर की तरफ जाएगा और ये मिडिल जॉइंट के पास में आ जाएगा हमारा नी जॉइंट। वापस यहाँ से नीचे की तरफ टीबिया फिबुला बोन होगा और ये एंकल जॉइंट हमारा होगा थोड़ा सा साइड में, हिप जॉइंट और हमारे एंकल जॉइंट लगभग पास में ही है। ओके, और इसी प्रकार से हाथ में देखेंगे तो ये शोल्डर जॉइंट, यहाँ से ह्यूमरस बोन और ये हमारी कलाई से नीचे आएंगे तो ये रेडिया और रेडियल और अल्ना जो बोन होती है ये हमारे कोहनी, तो ये आप देखेंगे तो कलाई का जोड़ और ये देखेंगे तो शोल्डर का जोड़, दोनों ही पास में है और ये होगा हमारा एल्बो जॉइंट। एल्बो जॉइंट और नी जॉइंट मिडिल फिंगर इसमें मिडिल जॉइंट पे होते हैं और हमारे जो शोल्डर जॉइंट है और रिस्ट जॉइंट है, सरिता जी माइक बंद करिए, हमारे ऊपरी जोड़ में होंगे, ठीक है, इस फिंगर के ऊपरी जोड़ में होंगे यहाँ पे। दूसरी चीज जो हमारे लेग में, जैसे हम जॉइंट पे जाएं तो हिप जॉइंट और एंकल जॉइंट वो सबसे लास्ट के जो जहां से हमारी फिंगर जुड़ी हुई होती है उस जॉइंट पे स्थित होंगे। अब इसी प्रकार से ये राइट वाला हुआ, अब इसी प्रकार से लेफ्ट वाला भी हम समझ सकते हैं, है ना। ये अब हम स्पाइन की तरफ चलेंगे, एक एक वर्टिब्रा रिब्स पूरा इसमें बनाया हुआ है, लास्ट में कॉक्सिस तक भी है, तो आप देखेंगे यहीं से यानी फर्स्ट जॉइंट से सर्वाइकल स्टार्ट हो जाता है, फर्स्ट जॉइंट तक ही होता है, वहां से थोरेसिक स्टार्ट होता है और थोरेसिक 7 तक मेरे ख्याल से बीच वाले जॉइंट पे और उससे नीचे फिर थोरेसिक 12 और लंबर वर्टिब्रा हमारे लास्ट तक चलता है। कॉक्सिस जो होता है वो जो उभरी हुई जगह होती है जहाँ पे ये जॉइंट उभरा हुआ होता है, इस जगह पे हमारे टेल बोन वगैरह होते हैं, ये यांग सरफेस, ये यिंग सरफेस और ये राइट साइड सरफेस। थैंक यू, धन्यवाद, यहीं तक हमारा स्लाइड पूरा हुआ। अब आपके कोई सवाल हो अभी तक में जो हमने पढ़ा उसमें, तो हम उस पर चर्चा करेंगे। एनीवन, अभी तक जो आपने पढ़ा उसमें कोई समझ में नहीं आया हो, स्लाइड शो होने में प्रॉब्लम हो रहा हो उसकी वजह से हो, या आपको आवाज सही से नहीं आया हो, स्लाइड को देख के आपको समझ में आया हो लेकिन कुछ कंफ्यूजन या कुछ सवाल आपके होंगे तो वो आप पूछ सकते हैं, उनको हम अभी क्लियर कर देंगे। अगर सवाल आपके नहीं है तो मैं अपनी तरफ से जो मुझे सवाल थे जब मैं सीखने गया उसके हिसाब से मैं एक दो बता देता हूँ, तब तक आप सवाल बनाइए, ठीक है। एक चीज ये सवाल मन में उठ सकता है कि अगर हम इंसेक्ट क्रॉसकोंडेंस पे इलाज देंगे तो कौन सी फिंगर पे देंगे, इन्होंने तो सभी पे बताया हुआ है, ये सभी फिंगर्स पे शो हो रहा है, बहुत सारे सिर बने हुए हैं, है ना, तो जो सबसे ज्यादा हमारे शरीर से मैच करेगा उसी को हम ज्यादा उस पर महत्व देंगे। अब हम इस पे साइंटिफिकली चलते हैं कि कौन सा फिंगर हमारे शरीर से ज्यादा मैच करता है या हम किसको वर्क देंगे, क्योंकि ये पांच जने आपके सामने खड़े हैं, पांच जने हाथ में हैं, पांच जने ही आपके सामने हैं पैर के तलवे में, अकॉर्डिंग टू इंसेक्ट क्रॉसकोंडेंस, पांचों जनों में से आप किनको काम देंगे,
सीधे से सवाल, इस सवाल का जवाब होगा जो अच्छा काम करता होगा, जो जल्दी काम करता होगा, है ना, उसी आदमी को आप काम देंगे। तो ये पांच आदमी आपके सामने हैं, अब हम इसको थोड़ा सा प्रूफ कर लेते हैं हम किसको देंगे। मेरे ख्याल से जो मैंने अभी तक समझ मेरी है उसके हिसाब से हम देते हैं इंडेक्स फिंगर में। अब हो सकता है आपका सवाल हो कि इंडेक्स फिंगर ही हम क्यों चूज करें, बाकी भी तो ले सकते हैं ना। तो उसके लिए मेरा कहना होगा क्योंकि अंगूठे के अंदर तो दो ही जोड़ है लगभग, वो ज्यादा मैच नहीं कर रहा है। अब हम चार अंगुली की मान लेते हैं, तो चारों में जो इंडेक्स फिंगर है वो सबसे ज्यादा एक्टिव है। आप दिन भर जितने काम करते हैं ना, उन काम में सबसे ज्यादा यानी कि 90% इन्वॉल्व होती है आपके इंडेक्स फिंगर। अब आप मुझे बताइए, ये पांच आदमी हैं आपके सामने, जो आदमी अकेला 95% वर्क अपने हिसाब से कर लेता है और हर काम में हिस्सेदारी लेता है, अच्छे से करता है, एक्टिव रहता है, तो जो आदमी एक्टिव होगा उसी को तो आप काम देंगे ना अपना, उसी आदमी को काम देंगे कि भैया आप मेरा काम करिएगा। तो जो एक्टिव है, जो शरीर से सिमिलर है ना, जो हमारे एक्टिविटी में या एनर्जी जिसके पास ज्यादा है, या फिर हम कह लेते हैं कि ये ज्यादा फ्लेक्सिबल यानी कि हर काम में ढल जाता है एनर्जी को मूव करने में, तो कहीं ना कहीं जो है हमें इस पे ट्रीटमेंट देंगे तो मेरे ख्याल से बाकी सबसे ज्यादा इफेक्ट होगा, ऐसा मेरा मानना है। ये मेरे को किताब में मैंने ना पढ़ा है ना किसी ने बताया है, ये मैंने अपनी तरफ से सोचा है, हो सकता गलत भी हो, लेकिन मुझे ऐसा लगा क्योंकि, और मैंने ये आज ही इसमें थोड़ी और चर्चा की, पहले भी मैं इसमें ऐसे मान के ट्रीटमेंट करता था और फिर मैंने आज ये सोचा कि आपको भी ये बताऊं। तो इंडेक्स फिंगर को हम चूज करते हैं इंसेक्ट क्रोस्पोंडेंस के लिए फर्स्ट, बाकी सब भी ट्रीटमेंट में यूज कर सकते हैं लेकिन प्राथमिकता देंगे इंडेक्स फिंगर को। और क्यों देंगे उसका मैंने एक छोटा सा उदाहरण यहाँ पे दिया था। इसके अलावा आपका कोई सवाल हो तो बता सकते हैं, और हमारे बीच में एक्सपर्ट ललिता जी भी है मेरे ख्याल से, मैं एक मिनट देख लेता हूँ, पूरा मुझे सोनी हो रहा है। ललिता जी आवाज आ रही मेरी? ललिता जी शायद नहीं है ना, चलिए कोई बात नहीं, आपका कोई सवाल हो तो बता सकते हैं, पूछिए। कोई सवाल नहीं है, पूरा समझ में आ गया? सरिता आपको पूरा समझ में आ गया? हाँ, अब तक मैंने पढ़ा सुना। ओके okay. राहुल, राहुल वीडियो ऑन कर। यस आपके पास मेरे ख्याल से एक और कोई किसी का मोबाइल है जिसमें ये क्लास ओपन हो रहा है? हाँ, इसीलिए इसीलिए आपके इसमें से आवाज निकल के उसमें से होके एक बवंडर बन रहा है और इसमें एक नॉइस क्रिएट हो रहा है, तो थोड़ा सा उसको दूर करिए या उसकी वॉइस कम करिए फिर बोलिएगा। उस वाले मोबाइल की वॉइस कम कर दीजिए, अब बोलो। तब तक के लिए धनंजय आपका कोई सवाल हो तो बता सकते हैं। नहीं सर। समझ में आ गया? जी सर। कल हम उपचार की तरफ चलेंगे, उपचार जी कैसे सर। देना है, कहाँ पे देना है, पूरी क्लास उसी की होगी। अगला, ममता आपको समझ में आया?
कोई सवाल? नो सर। ओके इशिता, फिर मैं पूछ भी सकता हूँ ना, अभी तक बता रहे हैं ना कि बॉस मैं यू बोलूँ, अगर जिसने सर्वाइकल या फिर थोरेसिक जो भी मतलब अपने वो बोन्स होंगे ना हाथों में, तो वहां पे मेथी का दाना या चने का दाना एक बोन पे एक ही लगाना है या बहुत सारे भी लगा सकते हैं? एक पे एक ही, क्योंकि एक चने के दाने जितना ही तो जगह हमें वहां पे मिलेगा, तो हमें एक ही लगाना है। ज्यादा लगाएंगे ना तो ज्यादा कंफ्यूज हो जाएगा एनर्जी भी। अगर आप सही जगह पे लगा रहे हैं तो एक ही काफी, एक ही चने का दाना पूरे वर्टिब्रा को कवर कर लेगा, है ना। दूसरी चीज, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो लंबर वन से लेके लंबर फाइव तक पांच चने के दाने भी आप लगा सकते हैं, लेकिन एक के ऊपर एक ओवरलेप नहीं करेंगे। यानी कि लंबर वर्टिब्रा जो है एक नंबर, उसके ऊपर एक चने का दाना होना चाहिए, ठीक है। फिर सेकेंड नंबर वर्टिब्रा जो है लंबर वाली, उस पर दूसरा, इस प्रकार से होना तो फिर कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। पूरा उसमें हमें एक ही जगह पे गुच्छा बना के नहीं लगाना, एक लाइन बनाना है, जैसा मैंने वहाँ पे एसेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स यानी कि आवश्यक उपकरण की बात की थी उस स्लाइड के अंदर, चने का एक रो बनाया था, एक लाइन बना रखा मैंने, वैसे लाइन बना के लगाना है, है ना। इसके अलावा ओके स्नेहा, को है ना वो कल वाली वीडियो चाहिए थी, कल मेरे ज्वाइन नहीं हो पाया था नेटवर्क इश्यू से। ओके ठीक है, वो देखेंगे उसका ना, वीडियो में कुछ टाइम के लिए मेरे यूट्यूब चैनल पे डाल दूंगा, ये जो वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा है, अगर किसी को कुछ कंफ्यूजन हो तो वो 5-7 दिन ये वीडियो पड़ा रहेगा, उस पर आप देख सकते हैं। हो सकता है लास्ट 3 दिन के लिए डालेंगे हम, 3 दिन के बाद ये वीडियो अपने आप से वहां से डिलीट हो जाएगा, तो आप उसको पूरा देख सकते हैं वापस, और जो भी कंफ्यूजन है वो आपका वहां पे भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो मैं, क्योंकि मेरे को पर्सनली मैसेज कर रहे हैं जो ज्वाइन नहीं हो पा रहे हैं नेटवर्क के कारण, या जिनको वॉइस क्लियर नहीं है, तो फिर मैंने उनसे वादा किया था कि ठीक है मैं आपको रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करवाऊंगा। अब एक एक जने को रिकॉर्डिंग सेंड करना ये पॉसिबल नहीं है, इस वजह से मैं अपने यूट्यूब चैनल पे डाल दूंगा, आप DR लोकेश ताकर करके सर्च करेंगे तो आपके सामने पूरा वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। और भी काफी सारे वीडियो आप देख सकते हैं। और स्नेहा आप बताएं। लगभग समझ में तो आया है, पर आप फिर भी स्लाइड सेंड कर देना तो एक बार फिर समझ के कल बता दूंगा। हाँ वो भी आ जाएगा, कोई बात नहीं, खुद से समझ लें। अब देखो मेन जो चीज है ना, वो उपचार करोगे तब समझ में आएगा, और आपको खुली छूट है, आप उपचार करते समय आपको कोई दिक्कत आ रही हो तो आप मुझे मैसेज या कॉल करके पूछ सकते हैं, मैं फ्री रहूंगा आपको बता दूंगा, फ्री नहीं हूँ तो हो सकेगा टाइम मिलेगा तब बताऊंगा, ठीक है। गुंजन ग्रासिया आप माइक ऑन करिए और बताइए कोई सवाल। कोई सवाल नहीं है। समझ में आ गया? हाँ। पूछो? पूछ लो। ठीक है, अब मुझे आप बताएंगे कि इंसेक्ट क्रॉसपोंडेंस हमने पढ़ा हुआ है, इस पे मुझे सर्वाइकल में दिक्कत है, आप इंसेक्ट क्रॉसपोंडेंस में मुझे कहाँ पे ट्रीटमेंट देंगे? सर्वाइकल, पूरे सर्वाइकल में दिक्कत है। पूरे सर्वाइकल पे बताइए, जनरल सा सवाल है, मेरे ख्याल से आपने ध्यान से क्लास किया है तो आपको आ जाएगा। इंडेक्स फिंगर पे। हाँ राइट, इंडेक्स फिंगर तो बहुत बड़ा है, अब हम कहाँ जाएंगे आगे, क्या स्टेप बताइए। सर्वाइकल कहाँ पे होगा? जिसको पता है वो बताएंगे। अंगूठे के वहां पे बॉस।
अंगूठे का तो स्टैंडर्ड क्रोस्पोंडेंस हो गया भाई, आपने बताया वो बिल्कुल सही है 101%, पर वो टू स्टैंडर्ड क्रोस्पोंडेंस है। हाँ सरिता जी क्या बोल रहे हैं? इंडेक्स फिंगर के यंग साइड में फर्स्ट जॉइंट के नीचे। बहुत बढ़िया, गुड। अगर आपने नाखून, जहां पे आपके नाखून है ये नाखून, इस नाखून से आप 7 भागों में बांट देंगे फर्स्ट जॉइंट तक, ठीक है, छोटे छोटे, एक मेथी के दाने भी 2 वर्टिब्रा को कवर कर लेगा, इतना बारीक पॉइंट है। और जितने हम बारीकी की तरफ चलते हैं उतना रिजल्ट अच्छे मिलने लगते हैं हमें। इसलिए मैं, मेरे इंस्टाग्राम आप चेक कर सकते हैं, धाकर लोकेश या डॉक्टर लोकेश धाकर के नाम से, वहां पे आपको ऐसे कितने ही वीडियोस और कितने ही आपको फोटोज मिलेंगे जिसमें मैंने इस जगह पे 8-10 निडल डाल रखे हैं और अमेजिंग रिजल्ट। पेशेंट आधे घंटे बाद ही बोलता कि हाँ 20-50% तो आराम है। बहुत अच्छे रिजल्ट इसके हमने देखे हैं। कंधे का रिजल्ट हमने अभी कुछ टाइम, जैसे 5-7 दिन हो गए हैं, एक पेशेंट थे उनको कंधे में दिक्कत थी, मैंने यही इंसेक्ट क्रोस्पोंडेंस का उपयोग किया और यहाँ पे निडल डाल दी। वो डेली आते थे, यहाँ बहुत दर्द है, बहुत दर्द है, बाकी सब ठीक है, सर्वाइकल ठीक है, मेरा बेक भी ठीक है और सब ठीक हो गया, मेरा कंधा ठीक नहीं हो रहा है। तो हमने उसके पहले तो उसका इलाज इंसेक्ट पे नहीं दिया था, लेकिन उस दिन मैंने अपने प्रोटोकॉल चेंज करके इंसेक्ट क्रोस्पोंडेंस में मैंने एक निडल लगाई। वहां पे पेन, मेरे पास प्रोब भी नहीं था, मेरा किट पता नहीं कौन से बैग में रह गया, अलग अलग कहीं पड़ा रहता, मेरे को मिला नहीं। तो मैंने, मेरे पास जो प्रोब और जिम्मी बताई थी ये भी मैंने कल परसों ही खरीदा है वापस से, ठीक है, तो ये लिया, तो ये तो अभी लिया, उसके पहले मेरे पास कुछ नहीं था। तो पेन के पिछले हिस्से से मैंने उसको 1-2 मिनट अच्छे से प्रेस किया, ठीक है, शोल्डर हमने देखा ना कि इंडेक्स फिंगर पे आएगा फर्स्ट जो है जॉइंट पे आएगा और लेटरल साइड में आएगा, ठीक है। तो लेटरल साइड में मैंने उसको अच्छे से प्रेस किया, पेशेंट के आंसू आने जैसी हालत हो गई थी, इस तरीके से मैंने धीरे धीरे किया, लेकिन उसको दर्द ज्यादा हुआ। फिर मैंने यहाँ बीचों बीच एक निडल लगा दी बस। जब निडल हटाई मैंने 25 मिनट के बाद, तब उसको बोला आप कंधे को हिला के देखिए, और उसने बोला मैं ठीक हूँ। दूसरे दिन उसने निडल लगवाने से मना कर दिया, मैं ठीक हो गया फिर क्यों लगा रहे हैं। ये अभी की रिसेंटली की बात, ऐसे कितने ही केस हुए हैं। तो आप इतनी गजब की चीज सीख रहे हैं, बस अगर इसको आप प्रयोग करेंगे ना सही से समझ के, तो आपको भी इसी प्रकार से रिजल्ट मिलेंगे। दूसरी चीज मैं कल सभी से पूछ लूंगा, आपसे तो पूछ ही लेता हूँ अभी, अगर किसी को ये किट चाहिए हो, नहीं हो आपके पास, तो इसके अंदर जो मैंने वहां पे इसेंटियल इंस्ट्रूमेंट्स बताए हैं उनमें कुछ और एड ऑन करके हम आपको बता देंगे क्या क्या इसमें होते हैं। तो वो किट आप बाहर से लेंगे उससे कम रेट में, होलसेल रेट में हम भिजवा सकते हैं, फिर भी इनके शायद महंगा पड़ जाएगा, क्योंकि कोरियर चार्ज लगेगा। अगर यहाँ से हैदराबाद से कोई भिलवाड़ा तक आ रहा होगा तो हम लोग ही ले आएंगे, है ना, तो हम बता देंगे इसकी कॉस्ट क्या है, क्योंकि यहाँ से कोरियर करने में तो आपको महंगा हो जाएगा, यहाँ से भिजवाने में आपको ज्यादा पैसे लग जाएंगे, इससे ज्यादा। ये बाहर में लेंगे 50 रुपए का मिलेगा, यहाँ 20 कितने में लाए, 15 रुपए में, ये 15 रुपए में लाए, बाहर में आपको 50 रुपए में मिलेगा, और यहाँ से इसको भेजूंगा तो इसके 100 रुपए चार्ज लग जाएगा इसको भेजने के। तो ऐसी आप 5-6 खरीद लेंगे, इतने पैसे तो आपको यहाँ से वहां भिजवाने में लग जाएगा, तो हम ले आएंगे वो, ठीक है। तो जिसको चाहिए होगा मुझे पर्सनल मैसेज करके कल बता देना, तो हम यहाँ से कोई भी जाएंगे या फिर मैं आऊंगा कभी, तो आपके पास ऐसा हो जाएगा पूरा, बस पूरे किट की एक्यूप्रेशर शॉप पे जाऊंगा, ये मेरे पास में ही है, 0.5 किलोमीटर भी नहीं है, वॉकिंग डिस्टेंस, ठीक है। तो मैं जाऊंगा वहां पे, तो वहां से फोटो खींच के ग्रुप में डाल दूंगा, ये चीज है, ये कॉस्ट है, जिसको जो चाहिए बता दीजिए ले आएंगे, ठीक है, क्योंकि नॉर्मल आपके पास होना चाहिए, आपने सीखा है तो, मेरे ख्याल से जिसको जरूरत लगे बता देना, ठीक है। चलिए आज की क्लास यही खत्म करते हैं। हरि ओम तस्यत, नमस्कारम, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतने शांति से सुना और धैर्य के साथ आप टिके रहे लास्ट तक।
तो मैं आशा करता हूं और मुझे ऐसा यकीन है कि आप जो अभी तक टिके हुए हैं वो बिल्कुल सीरियस हैं इस थेरेपी को लेके, और ये सारी चीजें आप तक पहुंच रही हैं और आप इसको अच्छे लेवल पे प्रैक्टिस करोगे और आप बहुत ही अच्छे अच्छे रिजल्ट्स लोगे। बस आप निरंतर अभ्यास करते रहिए, है ना। और मैं तो यही मानता हूँ कितने भी आए क्लास में या कुछ भी हो, जो सीखना चाहते हैं मैं उनके लिए डेडिकेटेड हूँ, उनको सिखाने के लिए मैं हूँ। चाहे एक बंदा भी होगा तो भी मैं प्रयास करते रहूंगा, अपना प्रयास बंद नहीं करूंगा मैं भी। और मेरे साथ साथ आप भी इन चीजों को सीखिए। मान लीजिए आपके पास एक शोल्डर पेन का पेशेंट आया, मैंने अभी बताया, वो सुन के वो देख के आपने इलाज किया, वो ठीक हो गया, वो 10 जने को जाके बोलेगा वहां पे वो डॉक्टर साहब है उन्होंने मुझे ठीक किया। आप फीस भी लेंगे ना 100 रुपए, तो वो आपको देगा। 5 दिन बुलाएंगे 500 रुपए, ये क्लास है आपकी 100 रुपए की। एक पेशेंट से 4 क्लासेज जितने पैसे ले सकते हैं, ये छोटी मोटी क्लास नहीं है। आप इसको अगर सीरियसली समझेंगे ना तो ये बहुत बड़ी चीज है जो आपको बहुत आसानी से मैं प्रोवाइड करवा रहा हूँ, बहुत इजीली और बहुत कम कॉस्ट में। मुझे ऑलरेडी सर से डांट पीट चुकी है कि इतने कम में कौन करवाता है, लेकिन आप लोग सब अपने ही हैं, फीस के लिए नहीं करवा रहा हूँ, ये सब आप तक पहुँचना है, आपको ये जानकारी देनी है, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं कल इसी क्लास में।